उत्तर प्रदेश सरकार सड़क पर होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है, जिसके तहत कानपुर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर सड़क सुरक्षा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने किया। कानपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सभी परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सभी को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया। भाजपा विधायक ने सड़क सुरक्षा के लिए सभी को शपथ दिलाई। डीसीपी ट्रैफिक ने भी सभी को गाड़ी चलाते हुए नियमों का पालन करने की बात कही। अंधियों के तरफ से मॉडर्न ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का एक उद्घाटन हुआ है। ये बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा व्यवस्था है और कानपुर का सौभाग्य है कि एक ट्रेनिंग सेंटर और एक रिसर्च सेंटर हमें मिल गया है, जिससे यातायात नियमों का लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। जैसे ट्रैफिक के साइनेजेस हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो, ट्रैफिक के यातायात नियमों नियम और उनके कैसे उल्लंघन नहीं करना है, और बाकी इस पर अलग अलग तरीके के रिसर्च भी किया जाएगा कि कैसे यातायात नियमों को लोगों के लोगों को नज़दीक ले जागरूकता कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छा व्यवस्था है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि कार्यक्रम में मैं भी अपना भाग लिया हूँ। और बाकी आप लोगों के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूँगा कि सारे शहरवासियों जो भी है यातायात नियमों का पालन करें, कहीं पर भी उल्लंघन ना करें, विपरीत दिशा में ना आए और कोई भी मानव उल्लंघन से या मानव गलती किसी का जान दुर्घटना में ना जाए, यही आपसे अनुरोध। एक सवाल ये सबसे बड़ा होता है कि हर महीने ये चीज़ चलती है लेकिन इसका पालन लोग नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। हर महीने ये सड़क सुरक्षा अभियान चलता है, इसका एक प्रयोजन भी करते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग इसको जैसा सबक हुआ लेकिन इसका फॉलो नहीं हो पाता है। देखिए व्यवस्था बनी है, कार्य योजना बनते हैं, लेकिन आप ही लोग हो जो लोगों के नज़दीक ले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग, 1000 लोग, लेकिन इनके माध्यम से हम और भी कुछ लोगों के नज़दीक जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे। और इसमें आप लोग मेनली प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ही और सोशल मीडिया का इतना समन्वय चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, जिससे ये जो सड़क सुरक्षा व्यवस्था या योजना जो बना रहे या सप्ताह बना रहे उसको एक बढ़िया मैसेज जो है आपके तरफ से ही जा सकती है। हम अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का अगर उल्लंघन होता है उनके सख्ती भी कर रहे हैं, अपने तरफ से प्रचार प्रसार का व्यय भी कर रहे हैं कि लोग जागरूकत हो जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग अगर जागरूकत होंगे और अपने आप में अगर वो सुचारू रूप से ट्रैफिक संचालित होगा, जब आप लोग मेनली सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके तरफ से लोगों को ये संदेश। कानपुर से प्रज्ञा यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।